What's up guys, कैसे हो मेरे चैनल में अभी सभी का स्वागत। मैं आपसे भी से फिर से एक वीडियो एक टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ जो आप जरूर सुनेगा। टॉपिक देख के आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया में मिलने वाले बहुत सारे परफ्यूम आ गए हैं, लेकिन क्या ये साइट चलो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। चैनल पे रुकिए जरा, धीरे सबर कीजिए। तो चलो व्हाट्सअप गाइस, आज बात करेंगे हम परफ्यूम के बारे में, कौन सा परफ्यूम अच्छा रहेगा या कोई साइड इफेक्ट भी करता है। कुछ 90% को लोगों को मालूम ही नहीं कि परफ्यूम भी साइड इफेक्ट करता है। क्या करते भाई लोग परफ्यूम के बारे में, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे परफ्यूम आ गए, जैसे कि पहले ब्रांड की बात करता हूँ, फॉग आ गया, वेलमेस आ गया, मैक्स आ गया, मेटर मैक्स आ गया, बहुत सारे परफ्यूम हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो गए। तो हम पहले ही नहाते हैं जो कि बासारे ना, इसके लिए हम परफ्यूम यूज करते हैं जो कि अच्छी बास आ सके। तो भाई लोग ये आप गलत, आप पहला आप जो परफ्यूम लेते हैं तो आप उसकी साइट देखना ना भूलें। ये साइट जो कि आप देख सकते हैं, इसकी जो ये साइट है आप ये देखना ना भूलें, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, क्या क्या नहीं, किससे क्या होगा। भाई लोग ये देख सकते हो, मेरे पास फॉग का बहुत बड़ा ब्रांड चल रहा है इंडिया में, फॉग का मेरे पास परफ्यूम है, मैं यूज़ तो नहीं करता, लेकिन क्या बोलो आपकी राय से वजह से मैंने इसको लाया है। तो इसमें बहुत सारा केमिकल भी मिलाया जाता है जिससे हमारी त्वचा को जैसे कि खुजली होना या बहुत बड़ी बीमारी से हम जूझ सकते हैं, जैसे कि कैंसर भी हो गया। इससे कैंसर बहुत हार्ड और स्ट्रांग होते हैं, इसकी वजह से हमको इसका कैंसर भी होगा। तो आप कौन सा फॉग लेना पसंद करेंगे या कौन सा सुगंध से हम पास लेना पसंद करेंगे। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि भाई लोग यहाँ पे कोई ओरिजिनल नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल जैसे कि हेड्स हो गया, सॉरी वेट डोंट ट्राई एनी हो गया, बहुत सारे केमिकल मिलाएगा। मैं तो 100% ये कहूँगा कि ले सकते हो, मैं तो नहीं लेता। तो बात करते हैं कि हमारी जो है दुर्गंध कैसे बढ़ती है। हम जो कि काम करते हैं जैसे कि कंपनी में हो गया, हेड ओवर गया, या प्योर लोग या रिच लोग हम काम करते हैं, उसकी जो पास आती है उसको रोकने के लिए हम परफ्यूम लेते हैं इसका इस्तेमाल के लिए। लेकिन भाई लोग उसके साइड इफेक्ट, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है ये आप जरूर। परफ्यूम कौन सा लेना चाहिए बहुत बड़ी बात है भाई। आप परफ्यूम ना यूज करिए, उसके रीज़न देखिए, वो लगाने में उसका सुगंध जो आता है वो अच्छा आता है कि नहीं आता, आप चेक कर लीजिए। उसके बेनिफिट, यूज़ करने के बाद केमिकल, ये मुँह में जाने के बाद क्या हो सकता है, ना क्या सांस लेने की प्रॉब्लम भी हो सकती है भाई लोग। इसलिए आप सेंट का ही उपयोग कीजिए जो कि महाराजा जो ज़माने के करते थे। धन्यवाद।